आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आपका खाना लगा दूं साहब? रामू ने मुझसे पूछा। मैं खाकर आया हूं, मैंने अवनी मेंशन को गौर से देखते हुए कहा। मुझे बड़ी खुशी थी कि यह बड़ा सा बंगला मुझे बहुत कम दाम में मिल गया। अच्छा रामू, ये तो बताओ, मैंने पूछा, ये बंगला इतने कम दामों में क्यों बेचा जा रहा था? वो क्या है ना साहब, रामू ने जरा हिचकिचाते हुए कहा, इस बंगले के पीछे एक बावड़ी है जिसे सब खूनी बावड़ी के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि वहां चुड़ैल रहती है। क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। तो मैं जाऊं साहब? रात हो गई है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। रामू ने डरी हुई नजरों से बावड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मेरे हां कहने की देर थी कि रामू वहां से सरपट भाग गया। रामू के जाते ही मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की खिड़की से वो बावड़ी साफ नजर आती थी। मैं बहुत थक गया था और मुझे नींद आ रही थी। मैंने एक बार नजर उठाकर उस बावड़ी की ओर देखा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। थकावट की वजह से मुझे बहुत जल्द ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे बंगले के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई बावड़ी में नहा रहा है। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, एक खूबसूरत सी लड़की बावड़ी के पानी से नहाकर बाहर निकल रही थी। ये कौन है, मैंने मन ही मन सोचा, और इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रही है? बात का पता लगाने के लिए मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और बावड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि वो लड़की बावड़ी के पास वाले बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। कौन हो तुम, मैंने उससे पूछा, और इतनी रात में यहां पर क्या कर रही हो? मैं अनामिका हूं, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा, और यह घर मेरा है। इतना कहकर वो बावड़ी की तरफ चल पड़ी और उसके पानी में समा गई। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा सुबह हो चुकी थी। मैंने जो कुछ देखा क्या वो सिर्फ एक सपना था, ये विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नाश्ता करने के बाद भी उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या सचमुच वो बावड़ी वाली चुड़ैल थी, मैंने अपने आप से पूछा। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी सोच पर हंसी आ गई कि मैं कब से इन अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगा। मैंने उस बात को मन से निकाल दिया और काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोला। लेकिन उस लड़की का चेहरा था कि मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। मैंने इंटरनेट पर अनामिका मेंशन टाइप किया। मैं ये जानना चाहता था कि कल रात उसने मुझसे जो कहा क्या वो सच था, क्या वो सचमुच कभी इस घर में रहा करती थी। सर्च का बटन दबाते ही मैंने जो सनसनीखेज खबर पढ़ी उससे मेरे होश उड़ गए। अनामिका मेंशन में एक भयानक कत्ल। मैं उस कत्ल के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। वहां के इंस्पेक्टर ने बताया कि कई साल पहले अवनी मेंशन में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम वरुण मेहता और पत्नी का नाम अनामिका था। एक रात दोनों के बीच कुछ बहस हो गई और अनामिका ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस को वरुण की लाश अनामिका मेंशन में मिली, खून से लथपथ। चाकू भी उसकी लाश के पास से मिला जिस पर अनामिका के उंगलियों के निशान थे, लेकिन अनामिका को कोई पता नहीं चला। अपने पति का कत्ल करने के बाद वो फरार हो गई। पुलिस अब भी उसकी तलाश में है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आई। इंस्पेक्टर पवार ने मुझे अनामिका और उसके पति वरुण की तस्वीरें भी दिखाई जो पुलिस रिकॉर्ड में थी। ये उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे मैंने कल रात बावड़ी से बाहर निकलते देखा था। मैं पुलिस चौकी से लौट ही रहा था कि मेरी मुलाकात हमारे पड़ोसी विशाल से हो गई। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने उससे वरुण के कत्ल के बारे में पूछा। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अवनी वरुण का कत्ल कर सकती है,
दोनों में इतना प्यार था, फिर वो क्यों अपने पति को मारेगी? तो तुम्हें क्या लगता है विशाल? मैंने पूछा, किसने की होगी वरुण की हत्या? मैं जानता हूं ऐसा कौन कर सकता है, विशाल ने बड़े गंभीर आवाज में कहा। वरुण का एक दोस्त था जिसका नाम था नीरज। वो अक्सर यहां आया करता था, खासकर उस वक्त भी जब वरुण घर पर नहीं होता था। मुझे पता था कि अनामिका पर उसकी बुरी नजर थी। मैंने वरुण को यह बात बताई भी थी, लेकिन वरुण को नीरज पर इतना भरोसा था कि उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। मुझे पूरा विश्वास है इस कत्ल में कहीं ना कहीं नीरज का हाथ है। हत्या के बाद तो वो यहां कभी दोबारा नहीं आया। मैं सारी रात सोचता ही रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, इंस्पेक्टर पवार की या विशाल की। सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा अनामिका जोर से चिल्ला रही है। कोई आदमी उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में कसने की कोशिश कर रहा था। अनामिका अपने आप को छुड़ाने भर की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अवनी को मजबूती से पकड़े हुए था। अनामिका मदद के लिए चिल्ला रहे थे, इतने में ही वरुण आ गया। नीरज, वरुण ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नीरज ने अपनी कोट के पैकेट से एक चाकू निकाला और वरुण के पेट पर दे मारा। वरुण की उसी पल मौत हो गई। तुमने वरुण को मार डाला, अनामिका ने रोते हुए कहा। अनामिका ने वरुण के पेट में खोपा हुआ चाकू निकाला और नीरज की तरफ पड़ी। पर इससे पहले कि अनामिका नीरज पर प्रहार करती, नीरज ने एक लोहे की छड़ी से उसके सिर पर वार किया। उस प्रहार से अनामिका की मौत हो गई। नीरज ने अनामिका की लाश को बंगले के पीछे वाली बावड़ी में डाल दिया। मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा, तभी मुझे बावड़ी से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं बावड़ी की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मैंने अनामिका को उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाया और तभी उसने कहा, मुझे यहां से निकालो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता, किसी अदृश्य शक्ति ने अनामिका को पकड़कर खींचा और उसे बावड़ी के पानी में डुबो दिया। मैं उसी पल इंस्पेक्टर पवार को फोन किया। इंस्पेक्टर, मैं अनामिका मेंशन हत्याकांड के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, आप जल्दी से जल्दी कुछ गोताखोरों को लेकर यहाँ आ जाइए। इंस्पेक्टर कुछ गोताखोरों को लेकर आ गया और मेरे कहने पर उन्होंने बावड़ी में तलाश शुरू की। सुबह होने ही वाली थी कि उन्हें बावड़ी के अंदर से एक कंकाल मिला। उस कंकाल के सिर के पीछे एक जख्म का निशान था। ये जख्म ठीक उसी जगह था जहां नीरज ने अनामिका के सिर पर लोहे की छड़ी से वार किया था। कंकाल को जांच पड़ताल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उसमें यह साबित हो गया कि यह कंकाल अनामिका का ही है। अब मुझे उस सबूत की तलाश थी जो नीरज को दोषी करार दे सकता हो। मैं सोच में पड़ गया, ये सबूत मुझे कहाँ मिलेंगे? चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। मुझे पूरा विश्वास था कि हो ना हो सबूत इस बंगले के आसपास ही मिलेंगे, लेकिन कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी तलाश शुरू करूं कहाँ से। बहुत सोचने के बाद मेरा ध्यान एक बात की ओर गया। मैंने अनामिका को जब भी देखा था वो उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी दिखती थी। अनामिका वहां बार बार क्यों आती थी? मुझे ऐसा लगा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे जरूर कोई राज दफन है। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और वहां खोदाई शुरू कर दी। बहुत देर खुदाई करने के बाद मुझे वहां जमीन में गड़ा हुआ एक पैकेट मिला। मैंने पैकेट खोलकर देखा, उसमें एक लोहे की छड़ी और किसी मर्द के कुछ कपड़े थे जो खून से लथपथ थे। मैं फौरन उस पॉकेट को लिए पुलिस स्टेशन गया और उसे इंस्पेक्टर पवार के हवाले कर दिया। उसकी जांच पड़ताल से यह पता चला कि उसमें जो खून लगा था वो अनामिका का था। जब वो कपड़े विशाल को दिखाए गए तो उसने फौरन पहचान लिया कि वो कपड़े नीरज के थे। उन कपड़ों से नीरज के सर के कुछ बाल भी मिले। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया। कपड़ों से मिले बालों की फॉरेंसिक जांच के बाद
ये साबित हो गया कि ये कपड़े नीरज के ही हैं। अब नीरज के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे दो लोगों की हत्या के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी गई। आज इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। हर रात सोने से पहले मैं उस बावड़ी की तरफ जरूर देखता हूँ। मेरे मन में अनामिका से एक बार फिर से मिलने की बड़ी इच्छा है, लेकिन वो फिर कभी नजर नहीं आई और उसकी आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई। मैंने उसकी अंतिम इच्छा जो पूरी कर दी। उसके बाद उसके पति के कातिल को सजा दिलाकर मैंने उसे न्याय जो दिला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने की हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसती मजाक करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं और वहाँ आराम कर सकते हैं। इस टायर को फटाफट बदलने की वो कोशिश करेगा। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको बड़ी हैरानी हुई। उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे के छत की तरफ गईं। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर उस बस को लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सब सीधा सो जाएंगे। टीचर की बात मानकर सब लोग चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आए। मगर उस घटना को अंकिता कभी भूल नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं आज जो आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 25 साल पहले घटी थी। उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की थी।
उन दिनों मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 10 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। घटना काफी पुरानी होने के कारण उस समय आज की तरह भीड़ भड़क का नहीं हुआ करता था। जब हम ड्यूटी खत्म करके घर आते थे तो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूब जाया करता था। उन दिनों लाइट की कोई सुविधा नहीं होने के कारण आते वक्त हम तीनों दोस्त अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे में हमें रास्ता दिखाने का काम किया करती थी। हम जिस रास्ते से आना जाना किया करते थे, उस रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक ना तो कोई घर था और ना ही आते वक्त हमें कोई इंसान दिखता था, क्योंकि उस समय गांव वाले रात को घर से कम ही निकला करते थे, क्योंकि उन दिनों गांव में जंगली जानवरों का भी काफी आतंक था। उन दिनों मैं और मेरे दोनों दोस्त, हम भूत प्रेत इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे, जिस कारण हम रात के वक्त भी इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। ऐसी ही एक रात काम से छुट्टी होने के बाद हम तीनों दोस्त घर जाने के लिए कारखाने से बाहर निकले तो वक्त हो रहा था ठीक रात के 8 बजे का। काम से निकलते ही हम तीनों दोस्त घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता हर दिन की तरह ही सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उस रात अंधेरा इतना घना था कि हमारी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाजें हमें एक अलग ही अनुभव करा रही थी। खैर, हम डरते तो थे नहीं, तो हम हल्की टॉर्च की रोशनी के सहारे ही आगे बढ़ने लगे। अभी हम 10-20 कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, भावेश। अचानक पीछे से आई मेरी नाम की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मेरे आगे बढ़ रहे कदम खुद ब खुद थम गए कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मेरा नाम कौन पुकार रहा है। खैर, मन में शंका लेकर हम तीनों दोस्त पीछे मुड़े तो पीछे मुड़ते ही हमने देखा कि हमसे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है, मगर अंधेरा काफी घना होने के कारण हमें उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने टॉर्च की लाइट को उस आदमी के शक्ल पर मारी तो टॉर्च की लाइट पड़ते ही हमने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामा काका है। रामा काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, जिनका घर हमारे घर के अगल बगल में ही है। इस पर मैंने रामा काका से कहा, अरे काका, आप इतनी रात गए इधर क्या कर रहे हैं? तो मेरे इतना कहते ही रामा काका चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। हमारे पास आकर रामा काका ने कहा, वो मैं जरूरी काम के सिलसिले से शहर गया था तो आते आते रात हो गई, और अच्छा है रास्ते में तुम लोग मिल गए, तो अब साथ में ही चलते हैं। रामा काका के मुंह से ये सुनते ही मैंने कहा, ठीक है काका, चलिए चलते हैं। जिसके बाद हम चारों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात और भी गहरी हो गई थी, जिस कारण दूर दूर तक इलाका रात की गंभीरता को ध्यान में रखकर मानो सो गया था। हमें भी चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर अपने चलने की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। अभी हम चारों चल ही रहे थे कि तभी रामा काका ने कहा, तुम लोग इतनी रात गए इस वीरान रास्ते से आते हो क्या? तुम लोगों को डर नहीं लगता? रामा काका की बात सुन मैंने कहा, डर? किस बात का डर काका? तो इस पर काका ने कहा, भूतों का डर? इस बात को सुनकर मेरे एक दोस्त ने कहा, काका, मैं डर वर नहीं लगता। इस बात को सुनते ही रामा काका मुस्कुराने लगे, वो भी ऐसी मुस्कुराहट कि मानो काका काफी कुछ जानते हो। काका को मुस्कुराता देख मैंने काका से कहा, काका, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या बात है, आपको भूतों से डर लगता है क्या? इस पर काका ने कहा, हाँ, मैं डरता हूं क्योंकि मैंने भूत देखा है। काका के मुंह से ये सुनते ही हम तीनों के अंदर इतनी बेचैनी हुई
कि हम तीनों ने एक साथ काका से कहा। कहाँ काका और कब, हमें भी बताइए। पहले तो काका ने साफ मना कर दिया, मगर हमारे काफी जिद करने के बाद काका ने बताना शुरू किया। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने बागान के फल और सब्जी को बाजार में बेचा करता था और अपना घर चलाया करता था। मेरा बागान मेरे घर के काफी करीब था, जिस कारण मुझे बागान में काम करने में कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था और मेरे बागान के काफी सारे आम के पेड़ों में आम ही आम लहरा रहे थे। मैं काफी खुश था कि इस बार आम बेचकर मैं काफी सारे पैसे कमाऊंगा। मगर एक सुबह जब मैं उठकर अपने बागान पर गया तो बागान के अंदर का नजारा देखकर मेरी खुशी काफी कम हो गई, क्योंकि सभी आमों के पेड़ के नीचे काफी सारे आम टूटकर पड़े हुए थे। ये नजारा देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, कल रात तो ना ही इतनी तेज हवा चली और ना ही बारिश हुई, तो इतने सारे आम टूटकर गिरे तो गिरे कैसे? कहीं कोई आम चोरी करने तो नहीं आया था? लगता है अब मुझे आज की रात बगान में ही गुजार कर देखना पड़ेगा। और ठीक मैंने वैसा ही किया। रात होते ही खाना पीना खाकर एक टॉर्च लाइट और खाट लेकर सीधे बागान की ओर चलता बना। खाट लेकर जब मैं बागान के दाखिल हुआ तो अंदर का माहौल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं भी चुपचाप अपने खाट को आम के पेड़ के नीचे लगाकर लेट गया और चोर के आने का इंतजार करने लगा। मगर मुझे कहां पता था कि मेरी इंतजार मुझ पर इतनी भारी पड़ेगी कि मुझे अपना बागान बेचना पड़ेगा। खैर, खाट पर लेटे लेटे मेरी नजर बागान के चारों तरफ घूमे जा रही थी। दूर दूर तक छाया घना अंधेरा और बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। देखते ही देखते 3 घंटे कब बीत गए और मेरी पलकें भी नींद से भारी होने लगी। मैं ना सोने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर नींद के आगे किसकी चलती है। फिर कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। मैं कितनी देर सोया होऊंगा पता नहीं। फिर जब मेरी नींद अचानक एक काफी तेज आवाज से टूटी, उस आवाज को सुनकर मैं झट से उठकर खाट पर बैठ गया और टॉर्च जलाकर उस आवाज को ढूंढने लगा। लेकिन वो आवाज आ कहां से रही थी ये पता नहीं चल पा रहा था, और ना ही बगान में मेरे अलावा दूसरा कोई इंसान था। खैर, मैंने उस आवाज को अपने मन का वहम मानकर वापस खाट पर लेट गया तो मेरे लेटते ही वापस उस आवाज ने दस्तक दी। मगर इस बार वो आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि जिस पेड़ के नीचे मैं सोया था उसी पेड़ के ऊपर से आ रही थी। तो मैंने झट से टॉर्च जलाया और टॉर्च को पेड़ के ऊपर घुमाया तो पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि पेड़ के ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत था, जिसकी आंखें दूध की तरह सफेद थीं और उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। साथ ही साथ उस भूत के 2 सींग भी थे। ये देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैं इतना तेज चीख रहा था कि मेरी चीख की आवाज सुनकर वहां पर गांव के लोग पहुंचे और वो भूत हवा में ओझल हो गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।